ओपेक और उसके सहयोगी देशों के ऑयल प्रोडक्शन घटाने के फैसले ने मार्केट को चौंकाया है, खासकर तब जब सऊदी अरब जैसे ओपेक के सबसे मजबूत सदस्य ने कहा था कि वहां प्रोडक्शन में कमी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कमी का आप पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, क्योंकि कारोबार में क्रूड ऑयल की कीमतें 8% तक उछल गई। ये खबर लिखने तक ब्रेंट क्रूड का प्राइस $86.44 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसका असर आपके बजट पर तो पड़ेगा ही, साथ भारत में सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा। इंडिया ऑयल की अपनी जरूरत का करीब 80% हिस्सा आयात से पूरी करता है। भारत में पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹100 प्रति लीटर के करीब चल रही है। पेट्रोल की कीमतें तो ज्यादातर राज्यों में ₹100 प्रति लीटर को पार कर गई है। इससे कम इनकम वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन के बढ़ते खर्च को देखते हुए वे अपने दूसरे जरूरी खर्चों में कमी करने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में ओपेक और सहयोगी देशों का उत्पादन में कमी का फैसला उनकी मुश्किलें और बढ़ाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑयल प्रोडक्शन घटाने का फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब दुनिया के कई बड़े देश महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल महंगा होने का सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। इंडिया सहित दूसरे देशों की इन्फ्लेशन को काबू में करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों की इकोनॉमी पर आक्रामक मॉनेटरी पॉलिसी का खराब असर पड़ रहा है। इनके मंदी में जाने की आशंका जताई जा रही है।